महाराज आपने एक दिन इसी सभा में कहा था, इंसाफ ऊंच नीच जाति धर्म अमीर गरीब इन सब भेदभाव पे नहीं होता, इंसाफ होता है सत्य के कसौटी पे। आपने वचन दिया था कभी भी इस राज्य में किसी के साथ ना इंसाफी होने नहीं देंगे, लेकिन आज जब अपराधी छोटे विराज हैं तो आप खामोश, कहां गया आपका वो वचन? क्या आपके लिए धर्म युद्ध तभी तक धर्म युद्ध है जब तक अपराधी राज्य घराने का ना हो? छोटे विराज कहते हैं कि इस कन्या ने इनसे झूठ कहा, पर क्षमा चाहूंगा महाराज, जिस कन्या पे आरोप लगाया जा रहा जन्म से गूंगी है, वास्तव में छोटे विराज को इस कन्या को देखते ही प्रेम हो गया और प्रेम के संबंध में गोते लगाते इतने दूर निकल गए कि इन्होंने इसे बिना विवाह की गर्भवती कर दिया। पहले तो छोटे विराज को इस कन्या पे बड़ा प्रेम आता था, बड़ा स्नेह आता था, लेकिन जब पता चला कि एक छोटे मछुआरे की बेटी है, सारा प्रेम सारा स्नेह समाप्त हो गया। मैं आपसे पूछता हूं महाराज, अगर यदि काम किसी न किसी राज्य कन्या के साथ की होगी तब भी आप खामोश होते? आज आपका फैसला किसी को दंड देने या माफ करने भर से नहीं है, आज आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द सदियों तक गूंजेगा, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक होगा। आज समस्त प्रजा समस्त राज्य जानना चाहता कि धर्म क्या न्याय विधान सिर्फ आम प्रजाओं के लिए है या राजवंशों के लिए भी? अब फैसला आपके हाथ में है महाराज, चाहे तो आप धर्म के साथ दें या युवराज के साथ।